ओके okay स्टूडेंट्स आज हम लोग आईसीआईसी क्लास एट बायोलॉजी का सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का पार्ट फोर पढ़ने वाले हैं यह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट इस पार्ट में हम लोग हार्ट रिलेटेड कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे तो देखो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं तो जो हम लोग पढ़ेंगे that is first, जो है, है? ठीक तो अब हम लोग इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी जानना है तो देखो पल्पिटेशन किसे कहते हैं पेल्पिटेशन इज वेन हार्ट बीटिंग इज टू हार्ड और टू फास्ट ठीक है और स्कीपिंग अपडेट तो जब हार्ट बीटिंग बहुत हार्ड या फास्ट होता है या फिर कभी कभी बीटिंग स्किप भी हो जाता है देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड पैल्पिटेशन ओके हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन हम हम लोग कब किसे कहते हैं विन द ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स विद ग्रेट फोर्स ठीक है तो जब ब्लड वेसल्स के जरिए जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है ना इफ द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग विद अ ग्रेट फोर्स इन दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर टेंशन ठीक है इसे हम लोग हाइपर प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं क्योंकि जो आर्टरीज का जो वॉल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट आर्टरीज का जो वॉल्स होते हैं वो थिकेंड हो जाते हैं जिसके कारण जो ब्लड का प्रेशर हो जाता है वो बहुत हाई हो जाता है ठीक है उसके कारण हम लोग को स्ट्रोक भी हो सकता है नेक्स्ट इज हार्ट अटैक हार्ट अटैक आप लोग बहुत सारे सुने ही होंगे तो हार्ट अटैक क्या है वेन देर इज सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट तो जब हार्ट में ब्लड सप्लाई में एक इंटरप्शन आ जाता है जिसके कारण ब्लड में बहुत डैमेज हो जाता है उसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं ठीक है देन कम्स द कार्डियाकरिस्ट कार्डियाकरिस्ट तब हम लोग कहेंगे वेन द हार्ट सडनली स्टॉप्स पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी ओके तो दीज आर द सर्टेन हार्ट रिलेटेड कंडीशन तो अब देखो अब हम लोग अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं हाउ कैन वी कीप आवर हार्ट हेल्दी सो फर्स्ट इज अब एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऑप्शनस ही है ठीक है तो हम लोग कोई भी चार देख लेते हैं आप लोग और भी कुछ याद कर सकते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो फर्स्ट इज ईटिंग हेल्दी फूड अगर हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं तो उससे हार्ट के कंडीशन्स होना बहुत कम चांसेस है ठीक है नेक्स्ट इज एवॉइड ऑयली एंड फ्राइड फूड्स रेगुलर एक्सरसाइज वॉकिंग जॉगिंग एक्सेट्रा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड नेक्स्ट इज एवॉइड ईटिंग स्वीट फूड ठीक है तो स्वीट फूड से जनरली ओबेसिटी ये सब होता है तो अगर हम लोग ओवर वेट हो जा रहे हैं तो उससे हार्ट कंडीशन होने का चांसेस बढ़ जाता है सो दीज आर द सर्टे पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेम्बर इन ऑर्डर टू कीप आवर हार्ट हेल्दी ओके सो इसी से हम लोग का ये चैप्टर से खत्म हो चुका है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो